दूसरा सेशन हमारा जो है वो एक इंफॉर्मेशन उसकी भी हम चाहते हैं कि आप दूसरा जो कोर्स है वो ओ लेवल का है राइट, वो भी आप कराते हैं क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है और एक अच्छा सेंटर आप रन कर रहे हैं। तो एज बीइंग डायरेक्टर ऑफ दक्ष इंस्टीट्यूट हम ओ लेवल के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ओ लेवल जो है वो क्या है। अच्छा अभियान जी, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ओ लेवल की, मतलब क्या अगर हम इक्वलेशन करना चाहें तो क्या इक्वल इसकी इस सर्टिफिकेट की क्या वो है, वैल्यू क्या है? अच्छा नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐड आता है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए दी बेस्ट है। अब सवाल ये है कि कोई भी अभी तक क्या ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसमें डायरेक्ट इससे जॉब मिलती हो बगैर किसी टेस्ट के, डायरेक्ट यही चीज़ मांगी जाती हो, या इसके दो पहलू है कि आप बंदे को उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर। अच्छा नहीं नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे कि उसमें डायरेक्ट ना हो के बल्कि अगर पहले तो उसे जो भी पर्टिकुलर एग्जाम हो, फॉर एग्जांपल अगर जॉब बैंक में निकली है सपोज दैट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्वालिफाई द जॉब एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर मान लीजिए जॉब जो है वो आपकी किसी गवर्नमेंट और सेक्टर में निकली, फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसको उसका बेसिक या जो भी उसका टेस्ट हो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद ओ लेवल एज ए जैसे कहते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री आर्ता के रूप में ही होता है या डायरेक्ट इससे भी जॉब लगती है। अच्छा, कोई मतलब जो गवर्नमेंट बहुत सी ऐसी जॉब आती हैं कि जिस जॉब के अंदर ओ लेवल को मांगते हैं कि अगर आपके पास ओ लेवल है तो बेहतर है, यही बात तो है। क्या ओ लेवल के इक्विवेलेंट भी कोई डिग्री है? अच्छा आप क्या फैसिलिटी देते हैं, किस तरीके से आप ओ लेवल इनरोल करते हैं बच्चे को? अच्छा अगर कोई डायरेक्ट, जैसे इस वक्त में लॉकडाउन चल रहा है, काफी वक्त से लोग घरों पर, अब ये भी नहीं, अब हमको नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ सपोज दैट कि इस वही लॉकडाउन चल रहा है, अब ये नहीं पता गवर्नमेंट सेंटर्स को कब खोलने की परमिशन देगी, तो बंदा दो कंडीशन हो सकती है। पहला कंडीशन ये हो सकती है कि वह आपके सेंटर पर फोन से या किसी रिमोटली आपसे इनरोल हो जाए, ठीक, उसके बाद आगे चले क्लास करें। दूसरा ऑप्शन ये कि रिमोटली क्लास, ऑनलाइन क्लास भी कर सकता है,
तो उस कंडीशन में एक तो तरीका ये है कि एडमिशन वो आपके सेंटर पे ले आकर, दूसरा तरीका है कि वो डायरेक्ट भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अच्छा, उसकी डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने की कोई खास फॉर्मेलिटीज होती हैं, या मान लीजिए उसके अंदर उसको कुछ और भी एसेंशियल आना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन है उसके साथ? अच्छा, इसकी कोई टाइमिंग होती रजिस्ट्रेशन कराने की? अच्छा, तो अच्छा हम थोड़ा सा इसके सिलेबस पे डिस्कस कर लें, तो हम इसकी स्क्रीन शेयर करते हैं सिलेबस के ऊपर, क्योंकि ये ट्रिपल सी से बड़ा कोर्स है। और कितने समय का, कितना ड्यूरेशन कोर्स है हरिओम जी? अच्छा, तो हम इस पर आते हैं। ये आपका जो नीलिट ने जो सिलेबस दिया हुआ है ये दिख रहा होगा, इसमें जो इन्होंने मॉड्यूल दिया है, क्योंकि रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस का, तो इसमें जो मॉड्यूल है, तो इसमें पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक, इसमें 48 आवर्स की लर्निंग है थ्योरी की और 72 आवर्स प्रैक्टिकल है, टोटल 120 आवर्स इतनी होने चाहिए, मतलब ये इतने होने ही चाहिए, इससे कम में भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी इसमें जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, ये तो एक पहला मॉड्यूल हो गया, ये कंपलसरी है। सेकंड है आपका वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, ये भी कंपलसरी है। थर्ड है आपका प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, ये भी कंपलसरी है। फिर है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी कंपलसरी है। फिर आप इसके बाद है आपका प्रैक्टिकल बेस्ड, जो भी चारों आपकी चीजें उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, आपका इन चारों के ऊपर प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। अच्छा, फिर प्रोजेक्ट आपको बनाना है। अच्छा अनुभव जी, जो लोग डायरेक्ट करते हैं उनको क्या क्या वो कैसे, मतलब प्रोजेक्ट कैसे करेंगे वो, क्या उसका प्रोसेस होगा? क्या आपको लगता है कि ये जो जितना भी सिलेबस है, सिलेबस तो अच्छा है, क्या इसका मार्केट में इसका स्कोप है? नहीं, यहां पर दो फर्क है। एक फर्क ये है कि एक तो गवर्नमेंट में ये सर्टिफिकेट चाहिए, एक बात हो गई। दूसरी बात कि जो कंटेंट्स इसमें पढ़ाए जा रहे हैं, इसका मार्केट में
इतना क्या पढ़ा दिया जाता है कि मार्केट में उसे अप्लाई कर सके बंदा। तो ये चूंकि अभी इस वक्त में कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मसला ये है कि बंदा अगर चाहे तो इसकी क्या टाइमिंग होती है रजिस्ट्रेशन कराने की, कोई टाइमिंग होती है? अच्छा अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है वो, मतलब आपके थ्रू भी करा सकता है, डायरेक्ट भी करा सकता है ऑनलाइन, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को वो कर सकता है, जारी रख सकता है। तो जिस तरीके से हरिओम जी हम लोग का कोलाबरेशन हुआ था कि वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्री ऑनलाइन क्लासेस टू द स्टूडेंट्स, मतलब वो लोग जो इसको बियर नहीं कर सकते या नो ही नहीं पहुंच सकते, कोरोना का टाइम है, कोविड है और लोग बाहर नहीं निकल रहे, प्रॉब्लम है बाहर निकलने में और क्लासेस ज्वाइन अभी नहीं कर सकते, अब गवर्नमेंट कब परमिशन देती, कब खोलती, वी डोंट नो। तो आपसे कोलाबरेशन के साथ हम ये क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं ट्रिपल सी की, ओ लेवल की, कि घर आदमी बच्चा घर पे बैठ के ही वो क्लासेस को ले सकता है, और जब खुलेगा तो दोनों ऑप्शन एक आपके पास भी प्रैक्टिकल कर सकता है, आप यू आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी, और वो घर पे प्रैक्टिकल कर सकता है, रिमोटली भी कर सकता है और अपने स्मार्टफोन से भी कर सकता है। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों कोर्सेस के बारे में? नहीं, ये तो अच्छी बात है हरिओम जी की बीइंग अ डायरेक्टर ओवर देयर, कि आपने इतना समय निकाला और रिस्की समय, क्योंकि इस वक्त में कहीं भी जाना मुश्किल है, और चूंकि स्टे होम और स्टे सेफ का नारा चल रहा है, इसलिए जो है बेहतर ये है कि लोग घरों पर रहें, बगैर जरूरत के बाहर न निकलें और वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लें और हम लोगों से जुड़े रहें। तो क्या होगा कि घर से भी वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं घर के ऊपर खाली यूं ही गुजार रहे हैं, तो इस मौके को, चूंकि उन्हें घर पर ही रहना है और ये वो है बंदिश है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए, इस वक्त में बाहर ना निकलते हुए इसका फ़ायदा उठाएँ और जुड़ें, आपसे रजिस्ट्रेशन कराएँ, और डायरेक्ट भी आप ऑप्शन उनको देते हैं तो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिओम जी, और मैं समझता हूँ कि अगला सेशन हम लोग करेंगे जिसमें जो लोग जुड़े हैं अभी इस पर रिव्यू करेंगे, और जो लोग सवाल पूछना चाहें वो सवाल तैयार रखेंगे, तो अगले सेशन में हम इसको कंटिन्यू करें। हरिओम जी आप थोड़ा समय निकालिएगा तो इसका हम लोग बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं या कुछ क्वेरीज आती हैं तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स, ज्वाइन विद अस, बाय।